नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मृत्यु के समय आपके पास होनी चाहिए ये चार चीज़ें, वरना यमलोक में मिलेंगी यातनाएं। शिव पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक हैं। इन ग्रंथों में मनुष्य और इंसान के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिनके बारे में आम आदमी को नहीं पता होता है। इन ग्रंथों में लिखी बातों का अनुसरण करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं और धरती के साथ साथ स्वर्ग लोक में भी अपने कर्म बेहतर कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास यह चार चीज़ें हैं तो उसे दूसरे लोक में कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्तियों की मौत ज़्यादा दर्दनाक नहीं होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पुराण कोश में, और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो कौन सी चार चीज़ें हैं जो मृत्यु के समय उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए? उन चारों चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है गंगाजल। किसी भी व्यक्ति की मौत के समय आमतौर पर उसके मुँह में गंगाजल या तुलसी डाल दी जाती है। गंगाजल डालने से वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को यमलोक में दंड नहीं दिया जाता। दूसरी चीज़ है तुलसी। अगर मरने वाले व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है या मरने से पहले उसके माथे पर तुलसी की पत्तियां रख दी जाएं, तो उस व्यक्ति को यमदंड नहीं मिलता है। ऐसे में वह व्यक्ति यमराज के प्रकोप से बच सकता है। और तीसरी चीज़ है श्रीमद्भागवत गीता। धर्म ग्रंथ या श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करने से दुनिया की मोहमाया से हमें मुक्ति मिलती है। जब हम सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाते हैं तब हमारी आत्मा आसानी से शरीर को छोड़ पाती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग सांसारिक मोहमाया में उलझे रहते हैं उनकी मौत आसानी से नहीं होती है और ऐसे लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। और सबसे अंतिम चीज़ जो है वो है दान। हिंदू धर्म में मौत के समय मरने वाले व्यक्ति के हाथ से गाय दान करवाने की प्रथा है। ऐसा करने से प्राण आसानी से निकल जाते हैं और गौदान का पुण्य मिलता है। इसके चलते परलोक में कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।